अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिया और आप देख रहे हैं लाइव सादिया माय यूट्यूब चैनल। तो सानिया मिर्ज़ा और शेख मलिक की शादी के बारे में, तो लोग आज तक नहीं भूले। इनकी शादी माशाल्लाह से बहुत ही धूमधाम से हुई थी। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि शेख मलिक का ताल्लुक पाकिस्तान से और सानिया मिर्ज़ा का ताल्लुक इंडिया से है। इनकी शादी 2010 में हुई थी और हैदराबाद स्टाइल में हुई थी। दोनों माशाल्लाह से खुशखुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। अगरचे अगर शेख मलिक पाकिस्तान में और सानिया मिर्ज़ा इंडिया में होती है, लेकिन ये अक्सर छुट्टियाँ गुजारने के लिए कहीं ना कहीं जाते रहते हैं ताकि अपने बेटे के साथ कुछ टाइम गुजार सके। सानिया मिर्ज़ा इन दिनों PSL 5 में अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान आई हुई। इन्होंने पाकिस्तान में अपनी सालगिरह भी मनाई और अपने ससुराल में भी कुछ टाइम गुजारा। तो इस सब पर मजीद बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरे आलोन से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। तो ये पिक्चर्स आप लोग देख सकते हैं सानिया मिर्ज़ा की अपने हस्बैंड के साथ। एक बात मैं बोलूंगी कि सानिया मिर्ज़ा ज्यादातर सिंपल ड्रेसिंग ही करती है और बहुत सिंपल रहती है। और जब से इन दोनों की शादी हुई है माशाल्लाह से ये दोनों खुश हैं और आज तक मीडिया पर इनके झगड़े की कोई खबर नहीं आई। दूसरी बात यह है कि सानिया मिर्ज़ा हर मौका पर अपने हस्बैंड को भरपूर सपोर्ट करती हैं और शेख मलिक भी सानिया मिर्ज़ा को भरपूर सपोर्ट करते हैं। तो सानिया मिर्ज़ा ने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एंजॉय किया और कराची की खूब सैर भी की, अपने हस्बैंड के साथ अच्छा टाइम गुजारा और अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी मुलाकात की। क्योंकि सानिया मिर्ज़ा की बर्थडे थी तो डॉक्टर शाइस्ता ने अपने घर पर एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी का इंतजाम किया था, जिसका सानिया मिर्ज़ा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और उन्होंने फोटोशूट भी करवाया। इसके अलावा सानिया मिर्ज़ा की बर्थडे का केक इनके ससुराल में भी काटा गया और इस मौका पर सानिया मिर्ज़ा ने थोड़ा सा फैंसी टाइप का गरारा पहना हुआ था। आप लोगों को मजीद बताते चलूं कि शेख मलिक इतने अरसे बाद अपने बेटे और बेबी को मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे और अपने बेटे को मिलने के लिए बेचैन थे, क्योंकि ज्यादातर इनका बेटा जो है वो इनकी बीवी के पास ही रहता है और शेख मलिक को कम टाइम गुजारने का मौका मिलता है। और अब जबकि सानिया मिर्ज़ा पाकिस्तान आई हुई है तो शेख मलिक अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारना चाहते हैं और सानिया मिर्ज़ा जब भी पाकिस्तान आती है अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा टाइम गुजारती है और इन सब के साथ अच्छे तरीके से ही पेश आती हैं। तो हम सब की तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे। आप लोग भी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको सानिया और शेख की जोड़ी कैसी लगती है और इनका बेटा जो कि माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट है कैसा लगता है। तो अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को सानिया मिर्ज़ा का पाकिस्तान आना कैसा लगा। मैं तो फिर यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे और कामयाब जिंदगी गुजारने का मौका दे। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।